हेलो फ्रेंड्स, खाओ पियो की आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कैप्सिकम, जिसे शिमला मिर्च कहते हैं, उसके कटलेट। ये कटलेट इतने टेस्टी लगते हैं कि चाहे आप उसे चाय के साथ लें, चाहे आप उसे हरी चटनी के साथ खाएं, आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उसे खिलाएं, बहुत पसंद आएंगे उसको और आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें शिमला मिर्च, उबले हुए आलू, अंडे, टमाटर, धनिया, प्याज, तेल, लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला और जीरा। मैंने 3 आलू लिए हैं। आप चाहें तो आलू के बदले आप कैरेट भी ले सकते हैं। ये जो हमने मसाले लिए हैं, आप चाहें अगर बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो तो स्पाइसी डालें। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। शिमला मिर्च आप किसी भी कलर की ले सकते हैं, मुझे हरे कलर की पसंद है इसलिए मैंने हरे रंग की ली है। तो सबसे पहले हम अपना चॉपिंग बोर्ड लेते हैं और उस पर अपनी शिमला मिर्च चॉप करते हैं। तो देखिए मैं किस ढंग से इसको कट कर रही हूँ, बिल्कुल आपने वैसे ही इसको कट करना है। ऐसे ही इसकी मोटी मोटी स्लाइसेस आपने छोड़नी है। आप रेड कलर की भी शिमला मिर्च लेंगे तो अच्छी लगेगी, एकदम कलरफुल। ये शिमला मिर्च के जो अंदर इसके सीड है ना, वो हमने इनको निकाल देना है। आप हाथ से निकाल सकते हैं तो हाथ से निकाल दें, चाकू से निकाल सकते हैं तो आप चाकू से निकाल दें। मैंने आपको दोनों तरह से कर कर दिखा दिया है। लो जी, हमारी शिमला मिर्च कट कर तैयार हो गई है। अब हम अपनी अगली प्रोसेस शुरू करते हैं। अब मैंने एक कटोरी ले ली है जिसमें मैंने उबले हुए आलू डाल लिए हैं। अब हम इसमें जो हमने बारीक बारीक प्याज काटी थी वो डाल लेते हैं, और जो हमारे टमाटर हैं अब उनको भी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं जीरा, मिर्च स्वाद अनुसार, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, चाट मसाला और नमक। मेरे घर में छोटा बच्चा है इसलिए हरी मिर्च का ये है कि बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए लाल मिर्च का एक आइडिया रहता है कि इतनी, और बच्चे के मुंह में सीधी हरी मिर्च नहीं आती है इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। अब हम इसे अच्छी तरह से हाथ से मैश कर लेते हैं। चलो अब हम इसमें अपने 2 अंडे लिए थे वो ऐड कर लेते हैं, और जो हमने धनिया की पत्तियां ली थी हरी हरी वो ऐड करते हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो इसके बदले आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अंडा डाला है वैसे आप बेसन डाल लें, इसमें सूजी डाल सकते हैं। चलिए, अपना फ्राई पैन रख दिया है, गैस चला दी है और हमारा फ्राई पैन गरम हो गया है। अब इसमें तेल डालते हैं। आप चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से पूरे इसमें फैला लेते हैं। गैस हमारी मीडियम टू लो है। अब एक एक करके अपनी शिमला मिर्च इसमें रखते हैं। मुझे तो ये अभी से अच्छी लगने लग गई है, जब इसमें इसका बैटर जाएगा तब क्या बात होगी। ओ बाय गॉड, अब हम इसमें इसका बैटर डालते हैं। बैटर को आपने बहुत ज्यादा नहीं डालना है, कहीं वो निकल निकल के जाने लगे, इतना नहीं डालना है। बस जितनी इसकी मोटाई है कैप्सिकम की उतना ही डालना है।
अच्छी तरह से एकदम बैटर भर लेते हैं। गैस हमारी मीडियम टू लो है। क्या लग रही है एकदम ना शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को पकने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। चलिए अपना बर्तन ढक देते हैं और इसे धीरे धीरे पकने देते हैं। शिमला मिर्च को तो देर नहीं लगती है पकने में, लेकिन जो इसका बैटर है वो धीरे धीरे पकना चाहिए, वो कच्चा ना रह जाए। तो अब इसे हम खोल के देखते हैं। 1 मिनट मैंने एक तरफ से पका लिया है, अब इसको हम पलट कर दूसरी तरफ से भी 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। क्या कलर आया है, क्या बात है। ऐसा ही कलर हमें इसके दूसरी तरफ चाहिए। क्या एकदम बढ़िया लग रही है एकदम। आप इसमें अपनी मर्जी से कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। मैंने जैसे आलू डाले हैं, दूसरी चीज़ें डाली हैं, तो आप इसमें कुछ भी डालें जो आपका, जैसे पत्ता गोभी हो गई, गाजर हो गई, कुछ भी डाल लें आप। कॉर्न्स डाल लें। अब हम इसको दोबारा से ऐसे ही ढकते हैं और इसको 1 मिनट के लिए पकाते हैं धीमी आंच पर। क्या अंदर से लग रही है वो ना। चलो अपना ढक्कन हटाकर देखते हैं। एकदम क्या बुलबुले छोड़ रहा है इसमें से ये ना। अब हम अपनी गैस बंद करते हैं और इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये दिखने में इतनी सुंदर लग रही है तो खाने में कितनी सुंदर होगी। हमने इसको एक प्लेट में सजा दिया है, ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो आप इसे हरी चटनी के साथ खाएं, लाल चटनी के साथ खाएं, चाय बनाएं उसके साथ खाएं, ब्रेड के बीच में रखकर उसके साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।